बड़ी खबर कांग्रेस मुख्यालय से आ रही है, जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि आज हो सकता है कि इस बैठक में राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश करें। अब देखना होगा कि क्या उनका इस्तीफा ये मंजूर होता है या नहीं होता है। अध्यक्ष पद को छोड़ने की यहां पर जो है मंजूरी मांगी है इस्तीफे के जरिए, और ये राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है। और लगातार दो बार लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हार के बाद ये राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, क्या लगता है कि क्या मंजूर होगा या फिर कोई गांधी परिवार से हटकर अध्यक्ष पद को संभालेगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है और खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया। अपने भाषण में हार की जिम्मेदारी जवाबदेही खुद ली है और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों की माने तो बैठक में राहुल गांधी ने जब अपने इस्तीफे की पेशकश की तो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हुई है सोनिया गांधी की ओर से, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हालांकि इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि अगर आप नहीं तो कौन, इस पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है, यानी ये सवाल पूछा गया कि अगर आप पद छोड़ रहे हैं तो आपकी जगह किसको लाया जाए, तो इस पर स्थिति साफ नहीं है। और यही वजह है कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हालात कांग्रेस के खिलाफ हैं और राहुल गांधी ने विपरीत हालात में कांग्रेस का नेतृत्व किया है, तीन राज्यों में जीत के बाद उनके नेतृत्व पर मोहर लगी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर उनके नेतृत्व पर सवाल उठे हैं। लिहाजा जिस तरीके से जो बड़ी हार हुई है उसके बाद यहाँ पर जो नेता विपक्ष का पद भी एक बार फिर कांग्रेस को नहीं मिलेगा ये कहा जा रहा है, तो इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले कहा जा रहा था जब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने नतीजों वाले दिन यानी 23 मई को नतीजे आए, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और कहा जा रहा था वो तभी अपने इस्तीफे का ऐलान करने वाले थे, लेकिन पार्टी नेताओं ने उनको रोका था और सीडब्ल्यूसी बैठक की सलाह दी थी कि वो बुलाई जाए। लिहाजा आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई, राहुल गांधी ने अपना संक्षिप्त भाषण दिया और नैतिक जिम्मेदारी ली है हार की और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन ये इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है क्योंकि विकल्प क्या होगा इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर पार्टी जब ऐसे हालात में है, जब नेतृत्व को लेकर बड़े सवाल हों, तो ऐसे में संभावना कम नजर आती है कि ये इस्तीफा मंजूर होगा। और पार्टी नेता, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, इस्तीफे से बात नहीं बनेगी बल्कि लड़ाई लड़नी होगी, और ऐसे में अगर गांधी फैमिली का अहम सदस्य पद छोड़ देता है तो ये एक बड़ी नैतिक हार होगी। लिहाजा ये ऐसे संभावना नजर नहीं आती कि उनका इस्तीफा मंजूर होगा, लेकिन नैतिक तौर पर उन्होंने पहल कर दी है। एक बार फिर नए सिरे से पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि लड़ाई लड़नी है और उसमें हार नहीं माननी है बल्कि ये लड़ाई बड़ी है, और ऐसे में ये पड़ाव आते रहेंगे। चुनाव जीतना हारना मकसद नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन और ये विचारधारा, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर कांग्रेस अध्यक्ष ने इस तरीके से इस्तीफे की मांग की है तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास भी गिरता हुआ नजर आया, तभी ना उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और इसके बाद में वो सामने आए हैं खुलकर। और लगातार बीजेपी भी यही निशाना साधती रही कि आप परिवारवाद चला रहे हैं, एक डायनेस्टी ही एक पार्टी को रूल कर रही है, वो इसी को लेकर लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में टारगेट करती रही। तो क्या माना जाए कि संभावना कहीं ना कहीं ये है कि गांधी परिवार से हटकर कोई अब कांग्रेस की कमान संभाल सकता है? देखिए, बड़े सवाल है और ये सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब पार्टी औपचारिक तौर पर कोई ऐलान करे या इसकी जानकारी दे। सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद माना जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सीडब्ल्यूसी बैठक में क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में औपचारिक जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये साफ है कि राहुल गांधी खुद अमेठी से हारे हैं चुनाव और स्मृति ईरानी ने उनको चुनावी मुकाबले में हराया है, लिहाजा निराशा तो बढ़ेगी ही जब एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे। वायनाड से भी वो चुनाव लड़े, वायनाड से वो चुनाव जीत गए लेकिन अमेठी से हार गए जो कि परंपरागत सीट थी, और यही बड़े सवाल है जो उनके नेतृत्व को लेकर उठे हैं। लिहाजा राहुल गांधी ने अपनी तरफ से पहल की है, इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन कांग्रेस ये भी समझती है कि गांधी फैमिली के इतर अगर वो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब पार्टी एकजुट नहीं रह पाएगी। जो पार्टी आज खड़ी है, जो संगठन खड़ा है, उसमें गांधी फैमिली का बड़ा रोल है, और अगर वो हार मान लेते हैं, वो हट जाते हैं, तब निश्चित तौर पर पार्टी बेचारा
एक बड़ा नए संकट से जूझते दिखेगी पार्टी, लिहाजा बड़े सवाल है कि क्या नए व्यक्ति को मौका मिलेगा, अनुभवी नेता को मौका मिलेगा, क्योंकि तब वापसी मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि सामूहिक जिम्मेदारी की बात यहाँ पर आ रही है। पार्टी ने फिलहाल इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, सीडब्ल्यूसी ने, जब तक सीडब्ल्यूसी इस पर निर्णय नहीं लेती इंतजार करना होगा कि पार्टी इस पर औपचारिक बयान क्या देगी। जी प्रदीप जी, आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिए और हम तक हर अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।